मशीन हंटर के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे अनमोल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले न कभी सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर एक पर आता है स्नेल फार्मिंग। दोस्तों स्नेल फार्मिंग विदेशों में काफी प्रचलित माना जाता है। स्नेल फार्मिंग को हेलीकल्चर फार्मिंग भी कहा जाता है और ये बिजनेस कुछ कंट्रीज में बहुत ही कॉमन और पॉपुलर बिजनेस माना जाता है। बहुत से लोग स्नेल फार्मिंग करके अच्छे पैसे भी कमाते हैं और यह काफी आसान भी होती है। इसका मीट भी खाया जाता है, साथ ही स्नेल के बलगम से कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स पाई जाती है जिसका उपयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। स्नेल को पालने के लिए सही वातावरण बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्नेल अपनी बॉडी से लगातार नमी को बाहर निकालते रहता है जिसकी वजह से स्नेल डिहाइड्रेटेड हो जाता है। स्नेल फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ स्नेल्स बाजार से खरीद लिए जाते हैं और इन स्नेल्स को फिर 3 महीनों के लिए ठंडे मौसम में एक जगह पर रख दिया जाता है, यानी लगभग नवंबर दिसंबर के बीच में, और फिर मार्च के महीने में इन्हें एक खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है। साथ ही इनको खाने के लिए अनाज दिया जाता है। स्नेल इन छोटे छोटे प्लास्टिक पोर्ट्स में अंडे देते हैं और फिर लगभग 2 हफ्तों के बाद इन पोर्ट्स से इन अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है और स्नेल की अलग अलग प्रजातियों को साइज के हिसाब से स्नेल के अंडों को इन सफेद बड़े बड़े बर्तनों में छोड़ दिया जाता है। इन अंडों से स्नेल के छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने लगते हैं और जब यह बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको खेतों में बाहर ले जाया जाता है ताकि ये बड़े हो जाए। सरसों के छोटे छोटे पौधों के बीच लकड़ियों के फटों को जमीनों में गाड़ कर उन पर इनको छोड़ दिया जाता है और समय समय पर इनकी हल्की सिंचाई की जाती है। स्नेल के ये छोटे छोटे बच्चे सरसों के पत्तों से अपना खाना लेते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब स्नेल्स की साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि वे पूरे तरह से वयस्क हो चुके हैं। इसके बाद इनको जालीदार मशीनों द्वारा अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है और कुछ बॉक्सेस में डालकर पैक कर दिया जाता है। इनके द्वारा पैदा किए जाने वाले अंडों को जांच करके इन छोटे छोटे डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। बाद में स्नेल के इन अंडों से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है स्टर्जियन कैवियर। स्टर्जियन एक समुद्री मछली है जो कि 100 मिलियन सालों से हमारे धरती पर मौजूद है। यह दुनिया की सबसे पुरानी मछलियों में से एक है। इन मछलियों की 27 अलग अलग प्रजातियां हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से पाला जाता है ताकि आर्टिफिशियल कैवियर बनाया जा सके। स्टर्जियन मछलियों में बेलुगा स्टर्जियन कैवियर सबसे महंगा और सबसे रेयरेस्ट मछली है। बेलुगा स्टर्जियन इतनी नायाब होती है कि यह दिन पर दिन कम होती चली जा रही है, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाता है जिसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं जैसे कि इनके अंडों को कलेक्ट करके उनकी हैचिंग करना। स्टर्जियन मछली जब 4 से 7 साल की होती है तो वह बायोलॉजिकल इतनी मैच्योर हो जाती है कि वह अंडे दे सके और इसीलिए इन 4 से 7 सालों की उम्र वाली मछलियों को इंक्यूबेटर में ले जाया जाता है। मादा मछलियों के पेट को फाड़ कर उसके अंदर से अंडों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद नर के स्पर्म को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है जिसमें इन अंडों के अंदर स्पर्म को मिलाकर उन्हें अच्छे तरीके से मिलाया जाता है और इन्हें मिलाने के लिए टेल फेदर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इन्हें बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप वाले प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर छोड़ दिया जाता है और जब यह थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से निकालकर फार्म में स्पेशली इनके लिए बनाए गए अलग अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर अगले 2 से 3 साल तक उन्हें इसी जगह पर पाला जाता है और 2 से 3 साल गुजर जाने के बाद इन्हें बाहर बनाए गए फार्म में ले जाकर डाल दिया जाता है और तकरीबन 7 सालों के बाद यह स्टर्जियन फिर से अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब यह मछली पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करने के बाद इन्हें सबसे पहले इनको स्कैन किया जाता है और इनके अंडों को एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद कैवियर बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसमें मछली को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे एक वर्कर तक पहुंचाया जाता है जो कि बहुत ही बारीकी से इनके पेट को फाड़ता है और पेट के अंदर मौजूद सभी अंडों को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद इन कैवियर का वजन करके इन्हें
ऑटोमेटिक ट्रॉली पर रख कर आगे भेजा जाता है, जहां पर एक वर्कर्स इसे कलेक्ट करके एक छन्नी में छान लेता है, जिसकी वजह से कैवियर में मौजूद गंदगी ऊपर ही रह जाती है और सिर्फ प्योर अंडे ही नीचे एक फनल के जरिए कंटेनर में कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसके बाद इन अंडों को कंटेनर से निकाल कर एक फनल में डालकर अच्छे से साफ किया जाता है और साफ करने के बाद खराब हुए अंडों को छाट लिया जाता है और उसके बाद इन्हें वहां से लैब में रवाना किया जाता है और जब जहां पर वर्कर्स इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करके डिब्बों में पैक कर देते हैं, जिन्हें बाद में फार्म्स में भेजा जाता है, जो इन अंडों को अपने फार्म्स में पाल कर कैवियर को फिर से बड़ा करते हैं। नंबर 3 पर आता है गोल्ड बेरी। गोल्ड बेरी अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है और यह दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस और पावरफुल फूड में से एक है और आज हम आपको इनकी प्रोसेसिंग और हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले नर्सरी से सीडलिंग्स को चुनिंदा पेड़ों से लाकर तकरीबन एक साल तक इसी नर्सरी में रखा जाता है और इसके बाद इन्हें फील्ड्स में ले जाकर लगा दिया जाता है। फील्ड्स में गोल्ड बेरी के पौधों के साथ साथ मेम्बोसा घास को भी लगाया जाता है, क्योंकि गोल्ड बेरी के पौधों को उगने में मदद करती है और हर 30 दिन पर ट्रैक्टर की मदद से इस घास की जमीन को फ्लैट कर दिया जाता है, ताकि वह ऑर्गेनिक मैटर यानी कि आरोग्यनिक खाद को तैयार कर सके और कम बारिश वाले सीजन में पानी की खपत को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल इरिगेशन सिस्टम लगाया जाता है, जिसकी मदद से पौधों को पानी पहुँचाया जाता है और तकरीबन 4 साल के बाद यह पौधे तैयार हो जाते हैं, जिनके ऊपर से फल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया भी काफी अनोखी है। इनके पेड़ भी ताड़ के पेड़ की तरह ही काफी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से इनके फलों को तोड़ने के लिए एक लंबे स्टिक का सहारा लिया जाता है और इस तरीके से सभी मैच्योर बेरीज को पेड़ से तोड़कर बॉक्सेस में जमा कर दिया जाता है और उसके बाद एक कर्मचारी इन गोल्ड बेरीज को थ्रेशर पर डालकर थ्रेश करके उनके डंठल को अलग कर लेते हैं और उसके बाद इन बेरीज को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद सबसे पहले इन बेरीज को डर्ट रिमूवल प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर इनके अंदर की सभी गंदगियों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक बार फिर से वॉशिंग प्रोसेस में डालकर अच्छे से साफ कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इनके अंदर से खराब बेरीज को छाट कर निकाल देते हैं और बाकी बेरीज को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। आगे बेरीज को बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट, मैक्रेशन और पल्प रिफाइनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इन सभी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद बेरीज को ठंडा करके उन्हें पैश्चराइजर में डालकर पैश्चराइज कर लिया जाता है और इसके बाद इन्हें रिफ्लेक्टेंट ड्राइंग विंडो में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और उसके बाद इन ड्राइड बेरीज का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद इन पाउडर को पैकेजिंग स्टेशन में भेजकर ऑटोमेटिक मशीन और वर्कर की मदद से पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।